हमारा केस है सेंट्रो मास ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड। हम एक ये थिन रॉड कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ जो है वो एल है और टोटल मास इसका कितना है एम, इसका टोटल मास है और एक एंड इसका जो है वो ए जो एंड है वो ओरिजिन पे है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू जीरो है और दूसरा जो पॉइंट है बी एंड इसका वहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू जो है एल है और वाई की वैल्यू कितनी है जीरो है और रोड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है। अगर हम इसको कंसीडर करें स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर करें यहाँ पे यूनिट लेंथ के लिए जो मास आएगा वो एम डिवाइड बाई एल आ जाएगा। मास ऑफ अगर हम यहाँ कंसीडर करें एक डी एक्स जो है एलिमेंट कंसीडर करें स्मॉल और इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और ओरिजिन से हम कंसीडर करें इसका डिस्टेंस जो है वो अगर एक्स कंसीडर करते हैं हम तो अगर हम स्मॉल एलिमेंट का जो है मास निकालते हैं डी एक्स एलिमेंट का तो ये स्मॉल आएगा दिस इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एल इन टू डी एक्स और अगर हम पोजिशन वैक्टर कंसीडर करते हैं एक्स सी एम और वाई सी एम जो है दिस आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रो मास, सेंट्रो मास के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमने कहाँ से ड्रॉ किया ओरिजिन से लिया जिनको हमने। तो ऐसे केस में अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना आए एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है यानी कि एक्स सी एम अगर हमें फाइंड आउट करना आ जाए कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास का तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे एक्स इंटू डी एम जो है क्योंकि एक्स डिस्टेंस तक जो टोटल मास आएगा एक्स इंटू डी एम आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से लेके एल तक। क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल और वन बाई एम ये टोटल मास था इसका तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा एक्स सी एम जो आएगा दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एम और डी एम जो है इसको हम यहाँ से पुट कर देंगे डी एम की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी एम डिवाइड बाई एल एक्स था ही पहले यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा डी एक्स तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास एक्स सी एम इज इक्वल टू हमें इंटीग्रेशन एक्स का करना है वन बाई एल और एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स से जीरो टू एल तो एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर टू डिवाइड बाई टू और बाहर क्या है एल जीरो से लेके एल लिमिट है तो ये लिमिट पुट करनी है हमें एक बार एल पुट करना है एक्स की जगह एक बार जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा तो एक बार एल पुट कर देते हैं ये हो जाएगा एल स्केयर डिवाइड बाई टू तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा एल बाई टू यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो आया सेंट्रो मास का वो हमारे पास कितना आया वन बाई या एल बाई कितना आया टू आया यानी कि जो कोऑर्डिनेट आएगा वो बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा यानी कि इसका जो हमारा क्या आएगा सेंट्रो मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो बिल्कुल कहाँ पे आएगा इस रोड के सेंटर पर आएगा तो यहाँ पर जो है एक्स सी एम की वैल्यू आएगी एल बाई टू यानी कि हाफ लेंथ पे जाके क्या लाई करेगा इसका कोऑर्डिनेट जो है सेंट्रो मास का जबकि वाई सी एम जो है हमारे लिए क्या है जीरो है तो वो बिल्कुल यहाँ इसके सेंटर पर लाई करेगा कब जब रोड कैसी है थिन रोड का केस अगर हम कंसिडर करते हैं तब। तो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का ऑफ सम होमोजीनियस बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप। आपको डायरेक्ट इनका जो है याद रखना है कहाँ पर लाई करता है तो इसके लिए इनके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है हमारे डेरिवेशन। इधर बॉडी का नाम लिखेंगे हम इधर लिखेंगे उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिफॉर्म होलोस्फीयर। अगर होलोस्फीयर लेते हैं हम जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है तो इसका जो है इसके सेंटर पे लाई करेगा सेंटर ऑफ द स्फीयर स्फीयर के सेंटर पर लाई करेगा। सेकंड केस है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म होलो की जगह अब कैसा हो गया सॉलिड हो गया स्फीयर तो यहाँ पर भी कहाँ पर लाई करेगा सेंटर पर ही लाई करेगा इसके भी सेंटर ऑफ द स्फीयर। थर्ड केस लेते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का केस लेते हैं हम सर्कुलर रिंग तो इसके केस में भी रिंग के सेंटर पे लाई करेगा सेंटर ऑफ द रिंग रिंग के सेंटर पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। नंबर फोर्थ केस लेते हैं हम सर्कुलर डिस्क का केस लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क सर्कुलर डिस्क के केस में भी कहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ द डिस्क लाई करेगा। और फिफ्थ केस लेते हैं हम यूनिफॉर्म रॉड।
अब जब यूनिफॉर्म रोड का केस लेगा तो सेंटर पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ रोड, ऑफ द रोड। सिक्स्थ केस जो है हमारे पास गिवन है प्लेन लेमिना का, प्लेन लेमिना अगर कोई लेते हैं हम, स्केयर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे लाई करेगा, पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ उसके जो डायगोनल है जहां पर वो कट करेंगे उस पॉइंट पर जो है क्या करेगा, लाई करेगा। नंबर सेवन केस लेते हैं हम यहाँ पे, क्यूबिकल ब्लॉक का केस लेते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक अगर कोई गिवन है तो क्यूबिकल ब्लॉक के केस में कहाँ पर लाई करेगा, इस केस में भी उनके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स के जो है इंटरसेक्शन पे। नंबर एट्थ केस लेते हैं हम होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का केस अगर लें, होलो सिलेंडर के केस में जो है मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर पे लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की जो एक्सिस है उसके मिड पॉइंट पर ये लाई करते हैं। नंबर नाइन जो है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के केस में भी कहाँ पर लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर पर लाई करेगा। और नंबर टेन जो है कोन, कोन का केस लेते हैं, जैसे कोन जैसी पिरामिड जो होती है उसके अंदर भी जो है ऑन द एक्सिस ऑफ कोन, एट ए पॉइंट डिस्टेंट, जिसका डिस्टेंस जो है कितना है 3/4 h के इक्वल है फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे है 3/4। मीनिंग ऐसे जब कोन होता है हमारा, ये हमारा कोन है तो ये इसकी अगर हाइट टोटल h है तो इस O पॉइंट से, O से कितनी हाइट पे होगा, O से जो है ये, मीनिंग अगर टोटल हाइट h है इसकी तो O से ये हाइट कितनी होगी 3/4 h होगी, वर्टेक्स से कितनी होगी 3/4। मीनिंग अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ ए पॉइंट तो ये ओ ए की जो वैल्यू आएगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा 3/4 h, सेंटर ऑफ मास जो है ए पर लाई करेगा, जिसकी हाइट जो है या जिसकी लेंथ जो है वर्टेक्स से कितनी किस पोजीशन पर है 3/4 h पोजीशन पर है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से भी, किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है। थैंक यू वेरी मच।